वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSVU जौनपुर की तरफ से फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट्स जारी किए जा रहे हैं और जिनमें काफ़ी छात्रों का रिजल्ट घोषित हो चुका है। और इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे जिन छात्रों का रिजल्ट जारी हो चुका है उनके लिए क्या लेटेस्ट अपडेट है, उनका रिजल्ट क्यों शो नहीं कर रहा है, कुछ आपके अधिकारी वगैरह बोले हैं और जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया भी है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो अपलोड कर पाना बहुत ही मुश्किल है, समय की कमी है, इसलिए टेलीग्राम से जुड़कर रहेंगे। वहाँ पर आपको नोटिस वगैरह दिए जा रहे हैं जो भी बदलाव हो रहे हैं एग्ज़ाम्स में या जो भी बड़े अपडेट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जुड़ कर रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, डिटेल में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि PG के अधिकांश रिजल्ट जारी हो चुके हैं सेमेस्टर का और पहली बार सेमेस्टर लगा है, तो इसमें देखिए काफ़ी जो विषय हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं। इसके अलावा MEd का रिजल्ट आया है, LLB का रिजल्ट आया है, MTech का रिजल्ट आया है, इसी प्रकार के रिजल्ट आपके जारी किए गए हैं। हालांकि कुछ छात्रों का रिजल्ट जो है वो शो नहीं कर रहा है, हमने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि एक मुख्य कारण है और वो कारण आपको बता दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आपके अधिकारी ने कुछ बोला है तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों रिजल्ट आपके शो नहीं कर रहे हैं और कब तक रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके सामने देख स्क्रीन पर प्ले हो रहा होगा कि महाविद्यालयों ने प्रायोगिक और इंटरनल नंबर विश्वविद्यालय को नहीं भेजा है, इसको लेकर महाविद्यालयों का रिजल्ट रोका गया है। क्लियर हो गया यहाँ से जिनका भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है कारण क्या है, आपको पता चल गया होगा। और इसकी वजह से वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जैसे ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और रिजल्ट आपका दिखने लगेगा। ये आपके अजीत प्रताप सिंह ने बताया है आपको, जो कि सहायक कुल सचिव हैं परीक्षा, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से वही बात बोला जो कि हमने आपको बहुत दिन पहले ही बता दिया था कि कारण एक ही है, प्रायोगिक और मौखिक के जो नंबर्स हैं वो नहीं भेजे गए हैं और इस वजह से जिनका रिजल्ट घोषित हो चुका है उनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो रिजल्ट शो करने लगेगा। ये बड़ी अपडेट थी और जिनका रिजल्ट नहीं आया शीघ्र ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।